जमहूरियत बेटे का कहना है कि उनका जमहूरियत पर सन 88 में ही उड़ गया था। जब हमें स्कूल से छुट्टियां हुई तो रात को खाने की मेज पर अब्बू ने पूछा कि बताओ बच्चों, छुट्टी पर दादा के घर जाना है या नाना के घर। तो हम सब बच्चों ने हम आवाज होकर नारा लगाया कि दादा के घर जाना है, लेकिन अम्मी का मौकिफ सिर्फ नाना के घर था। चूंकि अक्सरियत ज्यादा थी तो अब्बू ने दादा के घर जाने का ऐलान किया। हम दादा के घर जाने की खुशी दिल में दबा के सो गए। अगली सुबह अम्मी ने तौलिए से गीले बाल सुखाते हुए ज़रेला मुस्कुरा कर कहा कि सब बच्चे जल्दी जल्दी कपड़े बदल लो, हम नाना के घर जा रहे हैं। मैंने हैरत से मुंह फाड़ के अब्बू की तरफ देखा तो वो नजरें चुरा कर अखबार पढ़ने की अदाकारी करने लगे। बस मैं उसी वक्त समझ गया था कि जमहूरियत में फैसले अवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं बल्कि बंद कमरों में उस वक्त होते हैं जब अवाम सो रही होती है।